Cigarette smoking and alcohol consumption are injurious to health. हम में बड़ा है दम 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 सुपर 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 कूल है हम सुपर 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 कूल है हम सुपर 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 कूल है हम always so super cool always so super cool always so super cool always so super cool क्या कूल है हम क्या कूल है हम क्या 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 सुपर कूल है हम क्या कूल है हम क्या कूल है हम क्या 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 सुपर कूल है हम Let's bring the heat down. सपनों का शहर, लाखों लोगों के करोड़ों सपने, किसी के केबीसी में करोड़पति बनने के सपने, तो किसी का अगला इंडियन आइडल बनने का सपना। ऐसा ही एक आइडल इंडियन सपने देख रहा था, एक्टर बनने का, आदि। मैं हूँ आज का नया देवदास, आदि, और पिक्चर का नाम होगा आदिदास। मैं हूँ टाइगर। मैं हूँ एकता। Together we are Ekta Tiger. मैं हूँ सुपरहीरो ब्रावन और मैं इस धरती की औरतों को सपोर्ट देने आया हूँ। मैंने आदि को बहुत समझाया कि देख तेरा बाप कोई जितेंद्र या धर्मेंद्र नहीं है जो तेरे लिए फिल्म बनाएगा, लेकिन आदि नहीं माना। और हकीकत आप खुद देख लीजिए। Hello everyone and welcome to Daily Shopping Network. आपकी शॉपिंग का डेली डोज। दोस्तों, आप फेयरनेस क्रीम्स तो सिर्फ आपके चेहरे को गोरा करती है, लेकिन आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी जादुई फेयरनेस क्रीम जो आपके पूरी बॉडी को गोरा कर देगी। चलिए मिलते हैं हमारे इस प्रोडक्ट के पहले यूजर से। प्लीज वेलकम जॉन गिलबर्ट। थैंक यू। वेलकम जॉन। तो जॉन, बताइए इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आपका अनुभव कैसा रहा? ओ सूजी, मैं क्या बताऊँ, इस प्रोडक्ट ने तो मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है। एक वक्त था जब मैं बहुत परेशान था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा काला हुआ करता था। ओह, ये देखिए मेरी पहले की तस्वीरें। ओ माय गॉड जॉन, आप तो बिल्कुल अलग ही दिखते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। ये चमत्कार
टोटल बॉडी व्हाइट कलर का है। मैं इतना काला था कि एक बार जब मैं किसी काम से अफ्रीका गया था तो वहां के काले लोग भी मुझे कालिया कालिया कहकर चिढ़ाते थे। मैं इतना काला था कि मेरी बीवी मुझे रात को टॉर्च लेकर ढूंढती थी। मैं जिंदगी से पूरी तरह मायूस हो चुका था और तभी मुझे टोटल बॉडी व्हाइटनर के बारे में पता चला। आज नतीजा आपके सामने है। आज मेरे शरीर का सिर्फ एक हिस्सा काला है। कौन सा? मेरी आंखें। हम सबको डरा ही दिया था। Ladies and gentlemen, a big round of applause for John Gilbert. वैसे तालियां सुनने की आदत तो एक और आइडियल इंडियन को भी थी, the man from Latur. म्यूजिक मेरे लिए तरक्की की सीडी है। Meet Bollywood's most wanted DJ. Yeah. Hey, and I dedicate this Grammy to my granny. Hey, Ajji. हे तुझे सटिया, हाँ तुझे सटिया। लेकिन आजकल इसे तालियां कम कालियां ज्यादा मिल रही थी। यू सी, सिड की 7:30 चल रही थी। राहू ने तो इसके करियर की राहुल रॉय कर दी। आज इस बेचारे के तारे जमीन पर थे। उल्लाला, उल्लाला। खाट कुपर के महारथी मेरे करियर को तो मौत के खाट उतार देंगे। हे डीजे, हाय हाय, आम भाग्यश्री राजश्री मिताली जोशी। नाइस टू मीट यू, लेकिन बाकी सारी का है? ये मेरा ही नाम है, वैसे फ्रेंड्स कॉल मी डीजे। डीजे? मेरा नाम सुनकर तुम्हारा मुख क्यों खुल गया? नहीं, वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और वैसे अमेजिंग ना, वो डीजे अने तू बीजे। नॉटी, आओ हमारी साथ है। तारी साथ है? You know, you're really good. Oh, thank you, thank you. And I have something for you. Famous businessman जेठा भाई जोशी का नाम सुना है? ओ, वो जो आगरा में वाइग्रा बनाते हैं? हाँ, वही। मैं उनकी बेटी हूँ। क्या? मुझे लगा वो प्रोडक्ट चलता है नहीं। मेरी चार बहनें हैं। इतना चलता है? Anyways, we are organizing this big party next week. और मैं चाहती हूँ वो पार्टी तुम बचाओ। Me? Yeah, sure. I mean, I would love to. Yeah. Hey, भाई, आने रगड़ो मने चाट। जी सर। वैसे पार्टी कब? अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई? ये मुठिया नहीं, कड़क है। ये खाने के नहीं, ये मुठिया मारने के काम आएंगे। पीछे चल बेटा, जल्दी अंदर चल। अंदर जाने कपड़ा बदली ले। ए भाई, लेडीज चेंजिंग रूम के बाहर तू क्या कर रहा है? मैंने बीजे जोइए छे। अरे बोला ना, मैंने बीजे जोइए छे। बीजे जोइए छे? हां। अरे भद्रेश भाई, रमेश भाई, सु सुती भाई, सुदियो। अरे आप बेशरम मानस ने बीजे जोइए छे। वहां पर मुठिया मारने की बात कर रहा था, यहां पर बोल रहा है मैंने बीजे जोइए छे। आपको यकीन नहीं हो रहा है? अरे आप अंदर जाके देखिए, तमे पण बीजे मल से। हमने पण बीजे मल से? विकृत माणस, अरे मारो आने मारो। कहाँ है वो? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कॉलोनी में एक को भी नहीं छोड़ा। वो सब क्या कम पड़ गई थी जो उसकी बुरी नजर अब मेरी बेटियों पर है? देखो, मेरी है ना बस दो ही बेटियां हैं, और वो कमीना
उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। उस दिन ना मैंने मेरी शीला को उसके साथ टेरेस पे पकड़ा था, कल मैंने मेरी मुन्नी को स्टेयरकेस पे पकड़ा, और आज दोनों गायब हैं। और मैं जानती हूँ वो यहीं पर है, बुला उसे। देखिए मिसेस देव, देव नहीं मिसेस देव। मिसेस देव, ये सब सिट के कारनामे हैं, आप उसी से बात कीजिए, और मेरा उस पे कोई कंट्रोल नहीं है। वो यहीं पर है, यही है वो, हटो तुम। शीला, मुन्नी, दोनों के साथ एक साथ थ्रीसम। क्यों थक रहे हो? काम के चक्कर में हम लोग पेचरी पार्टीज में बड़ी आस लेकर जाते हैं, और इसीलिए आज भी हम यहाँ अपनी अपनी आस लेकर आते हैं। क्या कूल है हम? दिल पे पत्थर रखकर जा रहा हूँ पैमेला। I'll be back. तू और तेरी पैमेला, डूड इसे छोड़ और चल। हाँ हाँ चल चल चल। अरे ये बता मुझे कि तेरे पास इसी पार्टी के पासेस है ना? अबे एक ही सवाल तू कितनी बार पूछेगा? ये ले पहन ले। ये क्या है? ये पांच भाइयों का कॉन्डम है, पहन ले। पांचवे भाई का थोड़ा डाउटफुल लगता है डूड। डूड बी कूल, नॉट ना कूल। यू आर राइट, कूल। फॉलो मी, कूल। Excuse me, pass. और पास? ये आप क्या कह रहे हैं? इसने जो कहा तुम्हारे सर के ऊपर से गया ना? जी। इसलिए तुमको बाउंसर कहते हैं। ये मेरे साथ है। किचन स्टाफ। राइट। और तुम लोग ना थोड़ा काम पे ध्यान दो। आजकल ऐसी पार्टियों में घुसने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। अब हमें ही देखो। थैंक यू। चलिए। तो पूरा बेस्ट्री क्राउड है यार। आई नो। वो देख, मिसेस गोदरेज, व्हाट अ कूल लेडी। तू जानता है उन्हें? नहीं यार। तो तुझे कैसे पता चीज कूल? वो फ्रिज बनाती है ना, तू भी ना, व्हाट अ लेडी। तू चल। ए, वो देख तेरा शिकार रोहित सर। Are you saying this guy's following you everywhere? हाँ यार क्या बताऊँ, ऑफिस जाता हूँ तो ऑफिस के गेट पे खड़ा रहता है, स्टूडियो जाता हूँ तो स्टूडियो के गेट पे। समझ में नहीं आता उसे कैसे पता चल जाता है कि मैं कहाँ हूँ। Thank God he's not here. Seriously? This guy is really affecting me. उसकी आवाज़ मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। मुझे तो दिख भी रहा है। सर, एक चांस, प्लीज। एक्सक्यूज मी, एकता उल्मा। हाउ कैन यू टेल मी नाउ कि डीजे नहीं आया है? 10 मिनट्स में मेरा शो शुरू होने वाला है। क्या डीजे नहीं आया? Yes, ये पकड़। ऐश कर। What am I gonna do about the music? Sir, sir, why don't you try me out, sir? Try you out? Yes, I'd sir. love to. लेकिन म्यूजिक का क्या? सर, मैं म्यूजिक की ही बात कर रहा था। Why don't you try me out for the music? You think you can handle this? Handle? सर, मैंने सब जगह बजाया सर। Amsterdam से लेकर पूछे डैम तक। Trust me. Oh, I love confident men like you. Come. सर, एक चांस प्लीज। उल्मा।
कार ब्लास्ट करने वाला हूँ, टेम्पो ब्लास्ट करने वाला हूँ, ट्रेन ब्लास्ट करने वाला हूँ, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ पूरा सेट ब्लास्ट कर दूँ। बस मुझे तलाश है एक नए एक्शन हीरो की। इसको कोई लेके जाओ भाई, लेके जाओ, लेके जाओ। होता है कई बार ऐसा होता है जब काम नहीं मिलता है लोगों को तो ऐसा हो जाता है। क्या देख रहा है डूड? वो लड़कियों के इस्तेमाल करने की चीज है। पता है यार, लेकिन सोचता हूं मैं भी एक पैकेट खरीद ही लूं। मेरा भी बहुत बुरा पीरियड चल रहा है यार। तो पैकेट खरीद। भूल न जाना मेरे दूध को कर्ज निभाना। डेली शॉपिंग नेटवर्क आपके लिए लाया है एक नायाब तोहफा, एक ऐसी मशीन जो आपका वजन कम करने में आपकी मदद करेगा। स्मार्ट लग रहा हूँ ना मैं? देख इसे कहते हैं नेचुरल एक्टिंग। एक्टिंग साले, जब देखो तो टीवी पे रेप विक्टिम की तरह नजर आता है, कभी तो इज्जत तरह काम किया कर। बहुत जल्द मेरी किस्मत बदलने वाली है डूड, फेमस एस्ट्रोलॉजर सुनीता मेनन को मिलने जा रहा हूं। इधर 7.5 ने जेब में 7.5 रुपए नहीं छोड़े, उधार के घर में रह रहे और तू एस्ट्रोलॉजर पे पैसे वेस्ट कर रहा है। हेलो, कौन बोल रहा है? व्हाट? एक मिनट, कैसी कैसी लड़कियां तुझे फोन करती है यार। मैंने पूछा हु स्पीकिंग तो बोलती है आई एम वेट। लगता बेचारी तकलीफ में, मैं इसकी तकलीफ दूर करता हूं। हेलो, हाँ जी, नहीं, बिल्कुल बिजी नहीं हूं। एक मिनट। अबे इडियट, वेट का मतलब है जानवरों की डॉक्टर, डॉक्टर गीला सुखानी, पागल। तू और तेरी गीला अभी बैठ के बात कर। हेलो, हाँ डॉक्टर सुखानी, हाँ टंडन, मैं अभी आता हूं। थैंक यू सो मच। पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व। किसी ने सच ही कहा है, हर कुत्ते का दिन आता है। जुदाई का मौसम। मे आई कम इन? हाय सेट। ओह सॉरी, वो मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। डॉक्टर गिला, आपको कोई गिला कोई गिला शिकवा तो नहीं? नो, नॉट एट ऑल सेट। हाय साकरू, वैसे ऑल सेट एंड डन सेट। Your dog's got a lot of style, huh? I know. It's called doggy style. Doggy style? I like that. मैं अपनी नहीं, मैं सकरू की बात कर रहा हूँ। Yeah, of course. Pagla? Hello? Pagla? Oh, yeah. Sorry. Hey, सकरू. Hi, handsome baby. Sid, you must be so proud of him, na? अरे फकर है। फकर है मुझे इस पे। जब से खड़ा हुआ है
अपने अपने पैरों पे। मुझे हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ती। घर का खर्चा, गाड़ी का ईएमआई, सब इसी की तो मेहनत की कमाई है। माय बॉय। लो, मधुबाला और चिंकी भी आ गए। हाय चिंकी, हाय चिंकी। सिद, ये मधुबाला है, चिंकी यहाँ है। हाय चिंकी। हाय। ओह। वैसे ये म्यूजिक किस लिए है? इसके लिए। अगर ये मूड में नहीं होगा तो परफॉर्म कैसे करेगा? ओह रियली? आई डिडंट नो। आजकल कुत्ते भी मूड्स इस्तेमाल करते हैं। इसके पहले कि मूड ऑफ हो जाए, हम लोग शुरू करते हैं। वैसे सिद, आई मस्ट से योर डॉग लॉट ऑफ स्टैमिना। हाँ, इस मामले में तो वो मुझ पे गया है। नॉटी नॉटी। हाँ, वैसे मुझे भी तुम्हें कुछ दिखाना है, देना है गिफ्ट। गिफ्ट सक्रू डायमंड लॉकेट। हाँ, वो शशिकला याद है, सोपली ज्वेलर्स वाली। हाँ, ऑल डॉक्टर्स इंक्लूडिंग मी हैड गिवन अप ऑन हर। सबने कहा वो बांझ है। ओ, लेकिन आपका सक्रू, सक्रू ने शशिकला की गोद खुशियों से भर दी। माँ बाप ने तो मुझे सिर्फ पैदा किया है, पर पाल पोस के तो तू बड़ा कर रहा है। मेरे पग, गिव मी अ हग। कार्ड्स तीन पत्ती खेलने के लिए नहीं है, दीज आर टैरो कार्ड्स। ओह, आई एम सॉरी। चूज वन। क्या कहा था तुमने, काम क्या करते हो? जी, मैं एक्टर बनना चाहता हूं। देन गेट सेट फॉर स्टारडम। रियली? You are going to be famous, very famous. लेकिन अपनी मेहनत से नहीं, किसी और की किस्मत से। एक लड़की आएगी तुम्हारी जिंदगी में, your soulmate, और उसके आते ही तुम्हें एक बहुत बड़ी फिल्म मिल जाएगी। ये लड़की मुझे मिलेगी कहाँ? उस लड़की का नाम स अक्षर से शुरू होगा, बस अपनी आंखें खुली रखना। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे सामने ही बैठी हो और तुम उसे पहचान ना पाओ। गो फाइंड हर। ओके ओके। इतना घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत थी? व्हाट डू यू मीन? अब जान के भी अनजान क्यों बन रही हैं? मुझे पता है आप मेरी और आपकी बात कर रही हैं। हाँ? सर से सुनीता जी? मैं किसी और लड़की की बात कर रही थी। हाँ? मेरे अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। I'm sorry. पता नहीं कहाँ मिलेगी वो लड़की। The girl with an ass. मुझे लगता है इन दोनों को अकेले में बात करनी चाहिए। क्यों? अकेले क्यों आंटी? यही सबके सामने बात करते हैं ना, इसमें छुपाने जैसा क्या है? क्यों? या राइट। सुनन, तो कुछ अपने बारे में बताओ। तुम्हारे दिन की शुरुआत कैसे होती है? मेरा मतलब सुबह उठ के सबसे पहला काम तुम क्या करती हो? सबसे पहले मैं अपने घर वापस आ जाती हूँ। और फिर रात भर? रात को तो मैं काम करती हूँ ना। रात को काम? हाँ, रात वाला काम।
I work at a call center. Call center? वैसे what about films? I just love films. तुम्हारी favorite movie कौन सी है? Blue film. Blue? Blue film? आप लोगों ने नहीं देखी? Mom dad का तो पता नहीं, लेकिन मैंने एक दो बार अकेले में. अकेले क्यों? I mean, blue film तो family entertainer थी ना. Akshay was so good in the film. तो सिमरन बेटा, बताइए कि आपका फेवरेट टीवी सीरियल कौन सा है? मुझे बड़े अच्छे लगते हैं. वाह, मुझे भी. वो रहने दीजिए आंटी, ये बताइए कि आपका फेवरेट टीवी सीरियल कौन सा है? मैं तो सीरियल की बात कर रही थी, और किसकी? अरे सच्ची? पापा, देखिए इस लड़की के सपने बड़े बड़े हैं, और आपसे तो कुछ छुपा है नहीं. इसके सपने मैं कैसे पूरे कर सकता हूँ? आप लोग मुझे चिंटू ऐसे ही थोड़ी ना बुलाते हैं. मी खजुराव सिंगम फक्त खातो चिंगम. आता माझी सटकली, आता माझी सटकली. कट गुटे गाली. ओके था ना? थैंक्स यार, फोन करके बताना. हाँ हाँ बिल्कुल, बाय, सी यू. अक्सर ये कहा जाता है कि मॉडल्स का चाल चलन कुछ ठीक नहीं होता. इसका एक सीधा उदाहरण हम आपको दिखाते हैं. देखिए किस तरह इस मॉडल ने रैंप पर गिरी हुई हरकत करके फॉल कलेक्शन को एक नया मतलब दे दिया है. इसी विषय पर देखिए हमारी खास पेशकश, मेरे दो अनमोल रतन. आज रात 9:30 बजे, तो देखते रहिए कल तक फॉर द ब्रेस्ट न्यूज. I mean, for the best news. Mom. हाँ मॉम. नहीं, मैं घर नहीं आ रही हूँ, मैं अन्नू के साथ हूँ. मॉम, मैं क्या करूँ अगर डैड किसी को फेसबुक पे फेस दिखाने के लायक नहीं रहे? मैंने आप लोगों को कितनी बार समझाया है that I'm just not ready for marriage. मॉम, कम से कम अब आप लोग लड़का देखने से पहले 10 बार सोचेंगे. आज फाइनली मॉम डैड को दिखा दिया. हेलो, इधर मैंने पूरी दुनिया को दिखा दिया. सवेरे से सारे न्यूज चैनल्स मेरे क्लिप्स दिखा रहे हैं. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, 9/11 के बाद वापस कोई ट्विन टावर्स न्यूज में आए हैं. शट अप सिम, डैड विल किल मी व्हेन आई गेट टू गोवा. अच्छा, उस डीजे का कुछ पता चला? कोई डीजे सिड है. अगर वो मेरे हाथ लग गया ना, तो वो तो गया. अरे अरे रुको, अरे रुको रुको. माझी गाडी भेटली तुला मरायला. सॉरी यार, सॉरी. आत बस. हाँ बोल. क्या पाइल्स कार्ड? अबे साले, कभी तो कोई ढंग का काम लाया कर. तू मेरा एजेंट है कि आईएसआई का? अच्छा भाई, टिकट टिकट सर, टिकट. मैडम टिकट. एक मिनट. हाँ यही तो रखी थी. ठीक से चेक कीजिए, या तो फिर आपने टिकट ली नहीं होगी. What the hell do you mean? आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने टिकट खरीदी ही नहीं है? देखिए मैडम. क्या देखिए? मुझे देख के लगता है कि मैं टिकट के बिना ट्रैवल करूंगी. एक तो आपके पास टिकट नहीं है,
ऊपर से आप मुझ पर ही रोक। देखिए भाई साहब, ये कह रहे तो मान लीजिए ना, टिकट ली होगी, नहीं मिल रही है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप कह रहे हैं तो आइंदा संभाल कर रखना। टिकट प्लीज। यू वेलकम। बाय, टेक केयर। बाय। एक्सक्यूज मी, प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग, पर बस हो या ट्रेन, एक मिस हो जाए तो दूसरी आ जाती है, बट नॉट लाइफ, सो प्लीज डोंट रिस्क इट। ऐसा लग रहा है जैसे शबाना आजमी के मुंह से एंटी स्मोकिंग कैंपेन सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, आ रही हूँ। ये तुम्हारी गाड़ी है? हाँ, क्यों? और बस के पीछे पीछे आ रही थी? हाँ। कार के होते हुए तुम बस में क्यों ट्रैवल कर रही थी? बस में ट्रैवल करने का मजा ही कुछ और है, स्पेशली विदाउट टिकट। विदाउट टिकट? बाय द वे, आई एम सिमरन। आई एम आदि। नाइस टू मीट यू एंड थैंक्स अगेन। हेलो, हेलो, या स्पीकिंग? या क्या चिंगम के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया है? या शो 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 शो, ओके, या थैंक यू, यस यस यस। अगर ये फिल्म मिल गई तो मेरी तो लाइफ बदल जाएगी। इस लड़की का नाम स अक्षर से शुरू होगा। सिमरन, सुनना सिड, अगर सिमरन मुझे फेसबुक पे मिल गई, हाँ, तो मैं उसके वॉल पे क्या लिखूं? लिख इस वॉल पे पेशाब करना मना है। डूड, तुझे नहीं लगता तू एस्ट्रोलॉजर की बात कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहा है? डूड प्लीज, उसका नाम सर से शुरू होता है, उसके मिलते ही फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया। सोचना यार, वेयर डू थिंक आई विल फाइंड हर? ओके, तेरी ये जो सिमरन है, तुझे क्या लगता है उसे क्या पसंद है? Do you think she likes to party? क्यों? See, if she is the party type ना, then we should look for the best and the most happening dicks in town. क्या? Hmm. कितनी बार कहा है तुझसे? It's disc, not dicks. हाँ. It's ask, हाँ. not asks. हाँ. एक दिन ऐसा फंसेगा ना तू, याद रख. याद? याद से याद है, मैं तो भूल ही गया यार. आज तो मुझे किसी को जॉब के लिए मिलना है. चल. अबे ए, अपने सीडीज तो लेके जा। मेरे पास हार्ड डिस्क है ना। सॉरी सर, यू आर लेट, हमने किसी और को हायर कर लिया। नेवर माइंड। श्योर, थैंक यू। इस 7.5 ने तो मेरे करियर की। ये तो वही लड़की है। Hey, bartender. Hello. How can I help you? You want something to drink? Oh, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं. Nah. I'm the guy who changed your life. Really? जिस DJ के वजह से तुम्हें हर social networking site पर, हर news channel पर इतनी publicity मिली है, वो DJ. वो DJ तुम हो? और इस वक्त मेरे सामने खड़े हो? आ, यकीन नहीं हो रहा है ना? DJ Sid. Anu. Nice to meet you. Anu. By the way, you were fantastic that night. Oh, really? Thank In you. In fact, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ. You see, there's this big party and you just have to play it. Oh, me? Yes. Really? Yes. I would love to. Thank you. Come on. तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है. It's time for me to return the favor, no? तुम भी ना? हाँ मैं. दो मिनट हाँ, मैं जरा कंफर्म करके आती हूँ. Don't go anywhere. I'll be right back. No, no. Yeah, yeah. I'm right here. Table number 50. Alvin. ठीक है ना? Yes, ma'am.
याद है तुमने मुझे बताया था यहाँ पर हर फ्राइडे वो औरतें मेल एस्कॉर्ट्स को हायर करती हैं? मैम वो रूम नंबर 1769। हाँ एग्जैक्टली, इज इट ऑन टुनाइट? यस मैम, लेकिन क्यों? मैं किसी को भेजना चाहती हूँ। अरे मैम कैसी बात कर रही हैं आप तो जानती ही हैं उस रूम में क्या क्या होता है, फिर भी आप। I know, but trust me, Alwyn, this guy really deserves it, man. हेलो हेलो वो मैं एक्चुअली आया था क्योंकि हाँ, जानते हैं हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कम व्हाई डोंट यू टेक अ सीट? ओह श्योर, थैंक यू सो मच। नाइस, वेरी नाइस, हम नए टैलेंट को चांस देना ज्यादा प्रेफर करते हैं। थैंक यू। वैसे तुम्हारे चार्जेस? वो तो डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए परफॉर्म करना है, 2-3 घंटे या फिर फुल नाइट। वेल, हमारी पार्टी तो फुल नाइट चलती है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो पूरी रात बजा सकता हूँ। बस आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट हो तो बता दीजिए, दैट वे एम क्वाइट फ्लेक्सिबल यू नो। हाँ मैं आपको अपनी जबान देता हूँ तो और मजा आएगा। वो क्या है ना, सेलफोन कंपनीज की तरह मैं भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन में बिलीव करता हूँ। हाँ, स्वीट। आखिर आपकी खुशी में मेरी खुशी है। काश हमारे हस्बैंड्स भी इसकी तरह ही सोचते। बाय द वे, टिक्स का क्या? आप लोगों ने कुछ सोचा है? हम क्यों सोचे, वो तो तुम्हारे पास होगा। मेरे पास? नहीं नहीं नहीं, मेरा अपना तो है नहीं। क्या? हम लोग भाड़े पे ले सकते हैं ना। क्या? हाँ, छोटा बड़ा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आसानी से मिल जाएगा। बस आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि कब बचाना है और कहाँ बचाना है। देखो, हम तुम्हें जिस काम के लिए हायर कर रहे हैं तुम उसके लिए किसी और को हायर क्यों कर रहे हो? क्या? और वो भी आप, जब हमने तुम्हें बताया था कि पार्टी आज है और इधर ही है। क्या? देखिए मेरी तो आपसे फोन पे बात भी नहीं हुई, डेफिनेटली कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग? बच्चू जब यहां से निकलोगे ना, यू वोंट बी स्टैंडिंग। अन्नू मैडम ने? जी। आई एम श्योर कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा इज्जत कमाना किसे कहते हैं। वाह,
Yes. इसे तो अब सिर्फ रजनीकांत ही बचा सकता है। रेस्टोरेंट, डिनर, वाइन, कहीं वाइन पिलाने के बहाने तो मेरा फायदा तो नहीं उठाओगे? नहीं सिमरन, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। फिर वाइन पिलाने का क्या फायदा? चिल, आई एम जस्ट किडिंग। वैसे ये सब किस लिए? मेरे घर एक शादी होने वाली है, यू हैव टू बी देयर। हाँ तुम बुलाओगे तो डेफिनेटली आऊंगी। तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, वरना शादी कैसे होगी? मैंने तो कार्ड्स भी छपा दिए हैं। नाइस। वैसे शादी किसकी है? हमारी। व्हाट? विल यू मैरी मी? नो। I knew it. अगर तुम्हारे पेरेंट्स का कोई प्रॉब्लम है तो मैं उनसे बात करता हूँ। नहीं आदि, पेरेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई और लड़का है तुम्हारी जिंदगी में? No, it's not that. तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि I like girls more than boys. इसको तो रजनीकांत भी नहीं बचा सकता। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इवन आई लाइक गर्ल्स मोर देन बॉयज। समझने की कोशिश करो आदि, आई लाइक गर्ल्स मोर देन बॉयज। दोस्ताना देखिए, हाँ, जॉन और अभिषेक। यानी उधर जॉन, इधर चिगना। Dildo la re. Ma'am, would you like to have anything else? Yeah. Sex on the beach. Sorry ma'am, aajkal beach pe bhi permit lagta hai. Dhobli sahab allow nahi karte. How sad. Yeah. Excuse me, hame kuch nahi chahiye. Aap jaiye na yahan se. Jaiye. Lekin इस तरह अचानक तुम्हारी टेस्ट कैसे बदल गई? तुम्हारे साथ रहने के बाद आई रियलाइज। मेरे साथ? लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। एग्जैक्टली। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में होता ना तो तू जरूर कन्वर्टर होता। कन्वर्टर। और अभी टी शर्ट उतार दे तू, इसे पहनने का हक तू बिल्कुल खो चुका है। लड़की की तरफ से तुम्हें बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ये अवार्ड मिलता है। देख तू उंगली मत कर, छोड़ना। लुक एट द ब्राइट साइड, तू लड़की को इतनी महंगी डायमंड रिंग गिफ्ट करने वाला था, अब उतने पैसे तो बच गए ना तेरे, है ना? एक मिनट, वो रिंग भी ले गई। देख वो ऐसी नहीं है, मेरा दिल नहीं मान रहा है। समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। रिंग लगे। I don't believe this. Shit. Oh my god. चिंगम भी हाथ से निकल गई। क्या? और तू हंस रहा है? वो आई तो पिक्चर आई।
एक तो तुझे लड़की के लिए छोड़ के गई, ऊपर से तेरा डायमंड रिंग भी लेके गई, और तू अब भी उसे अपनी सोलमेट मानता है? तुझे तो रिप्लीज के बिलीव इट और नॉट में होना चाहिए था। हेलो, इतना हंस मत। वो रिंग तो मेरी थी, लेकिन उसके ऊपर जो डायमंड है ना, वो तेरा था। बॉस, मेरे पास कोई डाय सकरू का डायमंड? उस रिंग पर सकरू का डायमंड था? यस। अबे साले, इस बेचारे सकरू ने इस डायमंड के लिए खून पसीना ही नहीं और भी कुछ भाया यार। बस मुझे अभी के अभी सकरू का डायमंड चाहिए। पता लगा सिमरन कहाँ पे? पता लगा? Going to chill in Goa? इसकी स्टेटस पे लिखा है। ओह, डायमंड मिलते ही गोवा। लगता है उसने डायमंड बेच दिया। देख, सिमरन ऐसी वैसी लड़की नहीं है। I agree। गोवा पहुंचने के बाद डायमंड बेचेगी। चल, we are going to Goa right now। चल। गोवा? सिमरन? किया है तब मैं उसे मिलने गई हूँ। अगर उसे कह देती कि कोई और लड़का है तो पता नहीं वो क्या करता। अब अगर लड़की की टेस्ट ही डिफरेंट हो तो कोई लड़का क्या कर सकता है। अच्छा सुन, अगर किसी दिन वो हमारे सामने आ गया ना, तो हमें थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। You're just too much। मुझे लगता है कि साइको वो नहीं, तू है। लेकिन forget all that। It's party time now। अरे पार्टी से याद आया, I hope तुम्हारे डैड की वो New Year's party is still happening, right? मैंने तुम्हें बताया नहीं सिमरन, लेकिन दादी के गुजरने के बाद डैड थोड़े पागल हो गए हैं। क्या? जब तक फिल्मी चीज कलेक्ट करने का शौक था तब तक ठीक था, लेकिन पा फिल्म देखने के बाद उन्होंने तो हद कर दी यार। 5 प्रोगेरिक बच्चों को गोद ले लिया। Can you believe that? Finally. Jingle bell, all the way. Santa Claus is coming. Hi, Dad. Riding. My daughter. Dad. Okay, sorry, my darling. Merry Christmas. Merry Christmas. हाँ, gifts का है? Of course, you will get your gifts. But उससे पहले मेरे gifts के बारे में पूछो. What? Mother Mary ने मेरी mother को वापस भेज दिया है. माँ वापस आ गई है. What? लेकिन दादी तो विश्वास नहीं होता ना. पुनर्जन्म लेकर आई है और तुम्हें देखकर तो खुशी से पागल हो जाएगी. मम्मा, ये कैसे हो सकता है? मम्मा देखो तो कौन आया है. माँ आ गई है. माँ इज लुकिंग एज ग्रेसफुल एज एवर. माँ के पैर छुओ बेटा. अरे तुम क्या कर रही हो? ये माँ नहीं है, ये तो माँ की आया है. माँ तो इनकी गोद में है. ये माँ है? डैड, ये आपकी माँ कैसी हो सकती है? Have you gone mad? Mind your language. माँ को अंदर ले जाओ, यही माँ है. गुरुजी की कृपा से यहाँ आई है. गुरुजी? अब ये गुरुजी कौन है? एक महान पुरुष है, एक ऐसे महात्मा जो पूजा, अर्चना, भक्ति, ज्योति और साधना में घुसे रहते हैं. मोह माया से भरी इस दुनिया को त्यागने के लिए न जाने कितनी अग्नि परीक्षाएं दी हैं इन्होंने. गुरुजी की नजरों से कुछ भी नहीं छुपा, उनके पास दिव्य दृष्टि है. 7 साल एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की है उन्होंने.
सा पैर ये मत पूछना। और इसी खड़ी तपस्या का फल है कि आज गुरुजी भगवान से डायरेक्ट बातें करते हैं वाया सैटेलाइट, और इसी वजह से भक्तों ने गुरुजी को प्यार से नाम दिया है बाबा त्रिजी। Why this colabari, 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 colabari dee? Why this colabari, 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 colabari? आइए आइए मार्लो जी, बड़े अच्छे वक्त पे आए हैं, लीजिए प्रसाद। ओहो, द्वारकाधीश, पूजा खत्म होते ही प्रसाद खाने आ गए। घर पे सब कैसे हैं? मीरा जी, राधा जी, आई होप एवरीथिंग इज कूल इन गो कूल। मैंने कहा था ना, भगवान से बातें करते हैं। क्या ऊपर सब कुछ ठीक नहीं है? सुदामा के साथ ओसामा? मैंने पहले ही आपसे कहा था ना कि सुदामा की गरीबी दूर कीजिए। अब देखा ना क्या आउटलाइन पर? ठीक है मैं कुछ करता हूँ। मार्लो जी, त्रिजी जी, सुदामा की गरीबी दूर करने के लिए एक $15,000 का मनी ऑर्डर भेजना। डॉलर? सुदामा मायामी में रहते हैं ना? सुदामा मायामी में रहते हैं, सुदामा मायामी में रहते हैं। त्रिजी जी, ये मेरी बेटी है, वो अनु, और ये इसकी फ्रेंड है, वो सिमरन। अफसर आए हैं, अफसर आए हैं। हेलो, चक्कर क्या है? और ये मेरी दादी कहाँ से आई? क्या कर रही हो? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। डैड, ये मुझे साक्षात्कार हुआ कि वो कुतिया किसी महान व्यक्ति की माँ है, और मेरे दिव्य दृष्टि के सामने मार्लो जी का चेहरा आ गया। फिर क्या, मैंने तो अपना फर्ज निभाया, देकर उन्हें वो कुतिया बनाया, उन्हें चू। भाग्यशाली, भाग्यशाली। मार्लो जी, माँ के नाम से याद आया कि हमें चलना पड़ेगा। माँ के मैनिक्योर का वक्त हो गया है ना? माँ के मैनिक्योर का वक्त हो गया है, और सुदामा को पैसे भेजने हैं, और सुदामा को पैसे भेजने हैं। तो कैचिंग क्यों? तेरी गाड़ी बार बार बंद हो रही है। देख, हमारी तरह हमारी फैमिली का भी बुरा पीरियड चल रहा है यार। लेकिन अगर ऐसे ही लीकेज होती रही ना, तो हम लोग अगले साल पहुंचेंगे गोवा। गोवा जा लो, मैं भी गोवा जा लूं। ओके, प्लीज पे न्यू ईयर का टाइम है ना, तो मेरे दूध अप्लाई का चीज है। क्या? मेरा लॉन्ड्री का धंधा है ना, तो मैं दूध अप्लाई करता हूँ। ये क्या बोल रहा है यार? इसी की वजह से हमारी फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिली। क्या बात कर रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ, इंडिया के टॉप के बिजनेसमैन लोग को ना मैं तो थप्लाई करता हूँ। टाटा, थिल्ला, थम्मानी, अभी दोहा भी जा रहा हूँ ना एक नए कस्टमर को मिलने। अगर आप लोगों को भी दूध की जरूरत पड़े तो मेरे को बोलना। ये तो सकलों के ही काम आ सकता है डूड। मेरे पास हर टाइप के दूध अवेलेबल है, हर कलर में, हर साइज में, और फिटिंग की तो गारंटी है। ऊपर ओ अच्छा, मैं चलता हूँ, दो में याद रख। जरूर जरूर। पोपट, लॉन्ड्री, सूट्स, इसका मतलब इतनी देर तक ये सूट्स की बात कर रहा था, और हम लोग सोच रहे थे कि वो तो इस कार्ड का क्या फायदा? साहब क्या लेंगे आप? मेरे लिए कैपेचिनो, और इसके लिए अल पचिनो। दो कैपेचिनो लेके आना। ये कैपेचिनो क्या होता है? और ये कैपेचिनो क्यों होता है? तेरे को कैपेचिनो कल रात को जो हमने पिया था वो कैपेचिनो ही था क्या? अबे छोड़ ना, रात कई बात कही। सुन, मेरे दिमाग में एक सवाल खड़ा हुआ है। आजकल तेरे केस में सिर्फ सवाल ही खड़ा होता है। ये गाड़ी हमें गोवा लेके जा रही है कि हम इस गाड़ी को गोवा लेके जा रहे हैं? चल किसी से लिफ्ट मांगते हैं। चल लिफ्ट, 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 लिफ्ट। ये पकड़। वॉच एंड लर्न। क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, क्या कूल है हम, क्या कूल है हम। Cool at home.
लाइक दिस। ओए साडा कैपुचिनो। ओह। अल्लाह तक हमारा बिंदे आजा। अल्लाह जोर, अल्लाह जोर। ओ तक। अंजोर दी। आये शबाश। ये क्या कर रहे हैं लोग? अरे मुझे क्या पता, ये तो पीछे से आ रहा है। मिलेगी यार। अरे मैंने कहा अरे भाई साहब ये आपने, ओए थैंक यू की जरूरत नहीं है। और तुम कल गड्डी को धक्का मारे थे तो हमने सोचा थोड़ी सी मदद हम भी कर देते हैं। वैली पार्किंग तो सुना था डूड, लेकिन ये तो वैली पार्किंग हो गया। यार, तो अपनी पैमेला भगवान को प्यारी हो गई यार। कहते ऊपर जाने वाले साथ में कुछ नहीं लेके जाते, लेकिन ये अपना सामान पैसे सब कुछ लेके गई यार। अब हम गोवा में क्या करेंगे? अपनी तो फुल लग गई डूड। पता है डूड, तू हमेशा मेरे साथ रहा है। जब मैं मुंबई आया मेरी जेब में पैसे नहीं थे, तू था। जब टेली शॉपिंग की वाहियात एड्स मिली, तू था। सिमरन ने दिल तोड़ा, तू था। वो रिंग लेके गई, तभी सिर्फ तू ही था। इसे ही तो कहते हैं सच्चा दोस्त। अबे घंटा सच्चा दोस्त, मुझे तो लगता है तू ही पनवती है। मनहूस। मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। क्रिसमस। पार्टी, इधर रोटी कपड़ा और मकान के वांदे हैं और तू इस पार्टी के बारे में सोच रहा है? You are not going to believe this. जरा नीचे देख। अरे वहां नहीं, यहां नीचे देख। पार्टी होस्टेड बाय ट्रिपी गुलाटी, अपने कॉलेज का ट्रिपी। अगर ये वही ट्रिपी निकला, अपनी तो निकल पड़ी बॉस। गिव मी अ फाइव। आखिरी ₹5 बचे हैं, वो भी मांग रहा है। गॉड सर। ट्रिपी और इतना बड़ा घर। ट्रिपी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, फिर चिल्ला मार के पड़ा होगा। अरे ये तो अपना ट्रिपी है। है नहीं था। हाजी सिड, देख लो व्हाट अ सरप्राइज। तू लोग गोवा में क्या कर रहे हो? पहले ये पता तू फ्रिज में क्या कर रहा है? जस्ट चिलिंग गाइस, जस्ट चिलिंग। और वो इसको दूसरी लड़की के लिए छोड़ गई। और ऊपर से वीडियो यूट्यूब पे डाला मैंने। अब हंस के हो गया हो तो ये बता दे कि तेरे लिए ये सब कौन छोड़ गया है? हाँ यार, मेरे अंकल। ओ बेचारे कुछ 20 पहले वो मर गए। एडवेंचर स्पोर्ट्स का बड़ा शौक था उन्हें। स्विट्जरलैंड गए थे बर्फीली पहाड़ से बंजी जंपिंग करने। एक्साइटमेंट में बंजी पहनना भूल गए और सिर्फ गंजी पहन के कूद गए। तो फिर? फिर क्या? कूदे से नीचे पहुंच गए ऊपर। ऊपर पहुंच गए। मेरे लिए £5 million छोड़ गए। £5 million? वाओ। मेरे को तो ये भी नहीं पता कि ये रुपीस में कन्वर्ट करके होते कितने हैं। देख, तेरा कन्वर्ट करने का कोई भी काम हो ना, तू इसको दे।
ये कुछ भी कन्वर्ट कर सकता है। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस माय गर्लफ्रेंड। क्या बोलती है कुछ समझ में नहीं आता है लेकिन मजा बहुत आता है। मी योको ओनो। मी टेनी डेंजोंगपा। मी साले चीटर एक ही नाम था वो भी ले गया। तू मनीषा करोल बोल ना। अबे वो 1942 की है। ए यार तुम लोग भी ना यार। इट्स क्रिसमस लेट्स सेलिब्रेट गाइस। लेट्स रेज अ टोस्ट टू फ्रेंड्स एंड गुड टाइम। तुम लोग ने ग्लासेस क्यों उठाए? बात तो टोस्ट की हुई थी। क्या कूल है हम। चुप बॉय। Hi, babe. Yes, tomorrow night, Adam's Club. I'll see you there. Bye. Hi. You? माफी मांगने आया हूँ। फैशन शो में जो तुम्हारे साथ हुआ मेरी वजह से I'm really very sorry. Cool. और वैसे भी उसका बदला तो तुम ले चुकी हो। तो रूम नंबर 1769 का एक्सपीरियंस कैसा रहा? उस दिन समझ में आया कि एक औरत की तरह मर्द का भी एक ही गहना होता है। ओ वैसे व्हाई डोंट यू लेट मी बाय योर ड्रिंक? नो, वरना मेरी अपोलॉजी कंप्लीट नहीं होगी। प्लीज 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 जस्ट वन ड्रिंक। वन ड्रिंक। ओके ग्रेट। आफ्टर यू। Yes. So tell me, what brings you to Goa? Chutti? Ya work? Ya phir kuch aur? Main yahi rehti hu. Mera ghar pass mein hai. Oh. But what brings you to Goa? Wo meri ek cheez kisi ke paas hai. Wo main wapas lene aaya hu. Okay. Wow. Nice ring. Tumhare boyfriend ka naam Tribhuvan Das hai kya? Mera koi boyfriend nahi hai. I'm surprised. It's so difficult to find someone loyal these days. पता है? According to a survey, 70% of men cheat in India. हाँ, बाकी के 30% बैंकॉक जाते हैं। वैसे, तुम लड़की में सबसे पहले क्या देखते हो? वो तो डिपेंड करता है ना कि लड़की आ रही है कि जा रही है। You have a wicked sense of humor. Thank you. Listen, मुझे जाना पड़ेगा। क्या? इतनी जल्दी? I'm really sorry. मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही होगी। But it was really nice to meet you. And apology accepted. I'll see you soon. Thank you. Bye. See you tomorrow at Adam's Club. Anu, dekha yahan kahi candles milte hain kya? Sure babe, I'll just check in car. Sim, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। Aroma candles, wow! These candles are amazing. Bathroom में अंधेरा करके आराम से bathtub में लेट के हम इनको use करेंगे ना, we'll be in heaven. Wow! ये थोड़े छोटे नहीं है? अलग अलग sizes में भी लाई हूँ। छोटे वाले bathroom में use करेंगे और बड़े वाले bedroom में पूरी रात चलेंगे। Just can't wait to use them. Dildo. हाय सिमरन। आदि हाय।
वो मैं तुमसे दो मिनट बात करनी थी अकेले में। From YouTube, right? मर जाती पे कलंक हो तुम। कलंक? बहुत मजा आया ना तेरे को? पार्टी देखेगा? यही है जो न्यूयॉर्क की इतनी बड़ी पार्टी दे सकता है। चल, सकरू, कम। रुक 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 रुक। तू यहीं पे रुक। मैं आता। ओके? ए माली। अला अंतरा माली साहब का है? अंदर। हाँ ठीक है चल। माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मी माँ दुनिया में जीने से ज्यादा उलझने हैं माँ तू है अमर का जहाँ। तू गुस्सा करती है बड़ा अच्छा लगता है तू कान पकड़ती सर, है। आपसे कोई मिलने आया है? आ? कोई मिलने आया है? थैंक यू माँ जा। मार्लो से पार्टी लेने के लिए उसे किसी भी तरह बोतल में उतारना पड़ेगा लेकिन उससे पहले मैं इस बोतल को उतारता हूं। ये तो कोई बहुत बड़ा फिल्मी कीड़ा लगता है। बिल्ला नंबर 786 फिल्म दीवार 1.5 करोड़ रुपया। क्या क्या माइंड ब्लोइंग कलेक्शन है सर आपका। अब बाय द वे सिट सर। मार लो। नो 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 इट्स फ्रांसिस मार्लो। यस सर, आपको कौन नहीं पहचानता सर। जैसे मुझे पता चला कि आपको भी मेरी तरह फिल्मी चीजें कलेक्ट करने का शौक है तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि बस आपसे तो मिलना ही पड़ेगा सर। अच्छा तुम्हें भी है? हाँ सर, और आप जैसे कदरदान से मिलने के लिए मैं खाली हाथ कैसे आता। ऑफ कोर्स। इसलिए मैं आपके लिए एक एक नायाब तोहफा लेके आया हूँ सर। तोहफा 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 लाया लाया लाया। ऑरेंज जूस? नहीं नहीं सर, सिर्फ ऑरेंज जूस नहीं है सर, ये तो डेली वैली का ऑरेंज जूस है सर। रियली? हाँ, सुन के देखिए। सिर्फ आपके इस कलेक्शन के लिए सर स्पेशली। ओके हाँ सर। थैंक यू और ये लाल ब्लाउज देखो। हाँ सर। 3 करोड़ भाई। क्या 3 करोड़ का ब्लाउज और इतना डर्टी? मालूम है लेकिन पिक्चर भी तो डर्टी थी। विद्या पालन का ब्लाउज फ्रॉम द डर्टी पिक्चर। क्या हुआ तुम्हारी आंख क्यों भर आई? बात ही कुछ ऐसी है सर। क्या? जब मैं स्कूल में था तो लोगों ने मुझ पे बहुत उंगलियां उठाई क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। लेकिन सर विद्या के लिए तो मैं आज भी भूखा हूं सर। मैं भी नेक्स्ट फॉलो द मालो। सर 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 ये कहां से सर? ओ ये। हाँ सर। वो शोले पिक्चर देखी थी? हाँ सर, बहुत बार देखी मैंने। उसमें जो ठाकुर का नौकर था ना, वो रामू काका। हाँ हाँ। वो इसी साबुन से अपने हाथ धोता था। हाथ धोता था? वो ठाकुर के हाथ नहीं थे ना इसलिए। सर वैसे ये कितने में लिया सर? ये सिप्पी साहब का पर्सनल गिफ्ट है मेरे लिए। आई ला श्रीकांत। ये श्रीकांत कौन सी फिल्म का है सर? विक्की डोनर। तो ये थी मेरी स्मॉल कलेक्शन। सर आपके केस में साइज डजंट मैटर सर।
सर आपको मेरा म्यूजिक सुनना ही पड़ेगा। नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं, नहीं सर सुन लीजिए सर। या उसकी जरूरत नहीं सर, इनसे बोला ना सर, सुन लीजिए ना सर। ओके ओके ये तुम हो? हाँ सर। क्यों थक गए मेरे बच्चे? The kids are loving it. I am loving it. Awesome music. Thank you, sir. Thank you. सर प्लीज जल्दी चलिए सर। क्यों क्या हो गया सर? आप जल्दी नहीं चले तो बाहर बहुत कुछ हो जाएगा सर। ओके ओके। क्यों थक रही है साले, मेरा म्यूजिक सुनाने की परफॉर्मेंस चालू। I'm so proud of you. मेरी मां चू सर, आगे बोलिए आपकी मदद करूं सर। बकवास बंद करो। अरे छोड़ छोड़ कुत्ते छोड़। अबे क्या छोड़ छोड़ साले, दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं देगा तुमसे। ए मेरे सांप की मां को छोड़ दे, मेरे सांप की मां को छोड़ दे। ये सांप की मां है ये? हाँ, मिसेस रोज मेरी मार लो। ए रोज मेरी मार लो, नो वंडर सगुरु से इतने खुश लग रही है। ए बराबर ही चलो। मेरी माँ का MMS निकाल रहा, माँ किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। अरे कोई रोको, कोई इस वैसी दरिंदे से मेरी माँ को बचाओ। कुत्ता। I'm very sorry सर, मुझे नहीं पता था कि ये जो मेरा कुत्ता है वो आपकी माँ के साथ इस तरह की हरकत करेगा सर। तुम्हारा कुत्ता? हाँ सर, यूजली मैं ऐसी चीजों के लिए चार्ज करता हूँ, लेकिन आपने इतनी बड़ी पार्टी दी उसके लिए फ्री। मतलब तुम्हारा कुत्ता ऐसी अश्लील हरकत कर करके पैसा कमाता? मतलब मेरी माँ के साथ संभोग करने वाला एक जिगलो। नहीं, नहीं, नहीं सर, इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस 72 घंटे के अंदर अंदर एक IPL दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ को IPL देने से पहले मैं स्लीपिंग पिल खाकर मर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा। सर 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 सर, बात सुनिए सर, तुम्हारे कुत्ते की तो ऐसी चीज काटूंगा कि दोबारा कभी पैसे कमाने के लायक नहीं रहेगा। तुम्हारे कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा। Dad, are you okay? No, I'm not okay. मेरी आंखों के सामने मेरी माँ के साथ जो हुआ उसे मैं कैसे भुला सकता हूँ? आप एक और बात भूल रहे हैं डैड, दादी जी का कैरेक्टर। I mean, she was so pure, so पवित्र। Yeah. आप जिसे माँ कह रहे हैं उसने तो सबके सामने, और वो भी किसी पराए कुत्ते के साथ। You are right. माँ तो पिताजी को हाथ ही नहीं लगाने देती थी, इसीलिए पिताजी ज्यादातर अपना वक्त घर के नौकर रामदीन के साथ गुजारा करते थे। पिताजी के रामदीन पे इतने एहसान थे कि रामदीन हमेशा उनके आगे झुका ही रहता था। डैड जरा सोचिए, ये आपकी माँ कैसे हो सकती है? यू आर राइट, ये माँ कैसे हो सकती है? ये माँ कैसे हो सकती है? ये माँ कैसे हो सकती है? बॉस, अब ना आपके चेहरे से भी नकाब उतरने वाला है, जल्दी कुछ सोचो। सोचना तो पड़ेगा ही, अगर कुतिया के नाम पर खुला हुआ ट्रस्ट बंद हो गया तो बाबा 3G का इनकमिंग बंद हो जाएगा और हम यहां से आउटगोइंग हो जाएंगे। हाँ, और अगर पुराने धंधे पे वापस लग गए तो अपना तो बैंड बच जाएगा। बैंड नहीं, ब्रॉडबैंड। कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अरे सुनो, ये SNT की लाइट जलाओ, ये एडम एंड ईव नहीं, एडम एंड स्टीव है। दिस इज अ गे क्लब, ओके?
Yes. Tomorrow night, Adam's Club. Definitely. इसी क्लब की बात कर रही थी. Hey Anu, thanks for coming to the Gayde Cyber Night and supporting our co. Thanks तो हमें कहना चाहिए. हाँ, पहली बार इतने सारे मर्दों के बीच में हम safe feel कर रहे हैं. Naughty. Cheers. Hi. Hi. तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ पे. Oh, I'm from Mumbai. लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है गोवा चलाता हूँ. I just love this place. Especially यहाँ के pics. I didn't get your name. I'm sorry. Hi, sorry. I'm Sid. Sorry? You're so witty. And you're so church gate. Church gate. By the way, main Adam hoon. Is club ka owner. Oh, ye club tumhara hai? What a place you have, man. Rocking. Go. You know, kuch saal pehle mera partner tha. Steve. Oh. I was the active partner. He was the sleeping partner. But recently he passed away. Oh, kaise? It was an accident. पाया? Such a hero. बाद में पता चला कि जिन लोगों को बचाया वो फायर ब्रिगेड वाले थे. अंदर आग बुझा रहे थे. सिड यहाँ? You know, you remind me so much of Steve. Who? Me? तुम्हारी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है. Hi Sid. अरे अनु, तुम यहाँ? I'm surprised. Actually, तुम्हें यहाँ देखकर मैं ज़्यादा surprised हूँ. अरे क्यों? अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो कहाँ रहूँगा? जा Dix, वहाँ sit. You're just too much. Oh, by the way, कल मैं parasailing के लिए जा रहा हूँ. Why don't you guys join me? Parasailing? Hey. That's such a great idea. नहीं नहीं, मैं तुम दोनों के बीच में क्या करूंगी? अरे अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊंगा. She has to come here. और अगर सिडनी आएगा तो मजा कैसे आएगा? You have to come. I okay, I'll come. yes. It's a pleasure meeting you. Believe me, the pleasure is all mine. ये बंदा कुछ ज्यादा इमोशनल लगता है. किसी ने सच ही कहा है. All good guys आए देखिए, वो मैरिड. बस स्टॉप. बहुत हो गया मार्लो जी, बहुत हो गया. इस बेवकूफ लड़की ने कह दिया और आपने मान लिया? This is too much. दुख इस बात का नहीं कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं. दुख इस बात का है कि आप इस पवित्र कन्या पे शक कर रहे हैं. इसे माफ कर दो माँ. मार्लो जी, आपको पता है उस दिन माँ से जो मिलने आए थे वो कौन थे? कौन थे? वो और कोई नहीं, आपके पिताजी थे. पिताजी माँ. हाँ मार्लो जी, कल रात को जीजस और मैं डिनर करने गए थे. आवर लास्ट सपर. दिल्ली दरबार की बिरयानी जे को बहुत पसंद है. तब उन्होंने मुझे बताया कि आपके पिताजी दोबारा माँ की जिंदगी में लौट कर आए हैं, उन्हें वो देने के लिए जो पिछले जन्म में उन्होंने सिर्फ रामदीन को दिया था. पवित्र प्यार. अच्छा, तो इसीलिए उन्होंने आती. You are absolutely right. पिताजी को घर लाने की तैयारी करो. Of course. माँ, सुना तुमने? अब पिताजी भी वापस आ रहे हैं. माँ. Go, Sakru.
टूसम और कहीं थ्रीसम और अब तक मैं हैंडसम फकर कब से अकेले मज़ेल है ये क्या सवेरे सवेरे वस्त्र आ रहे प्राउड ऑफ यू माय बॉय अरे यार कम ऑन डूड तू यहाँ पर मुंह लटका के बैठा है वहां पूल में देख लोग क्या क्या लटका के बैठे हैं देखना एक बात तो कंफर्म है डूड ये सब उस दूसरी लड़की का इन्फ्लुएंस है कन्वर्टर मैं नहीं वो है कम इस वक्त मेरा ध्यान सिर्फ एक ही बात पर है हाउ टू गेट सिमरन बैक इनटू माय लाइफ जिस तरह अर्जुन ने बाण छोड़ते वक्त सिर्फ पोपर पे निशाना लगाया था वैसे ही मुझे डूड 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 एग्जांपल के तौर पे भी तू तो पोपट की बात करी मत ये होपलेस है हा? तू कहता ना कि सिमरन तेरी सोल मेट है अरे सोल वाल तो ठीक है बट व्हाट अबाउट द मेट डूड लड़की को सकरू की नजर से देख क्या इंप्रेस कर उसे शो हर दैट यू आर अ मैन तेरे लिए मुश्किल होगा लेकिन हम लोग ट्राई कर सकते ना हाँ नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब है कि अपना इंप्रेशन माचो थे क्या अपना इंप्रेशन माचो दे हाँ यार तू सही कह रहा है I want to show her how manly I am. इस बार तो मैं अपना इंप्रेशन डेफिनेटली माचो दूंगा क्या अरे माचो दूंगा ये सिट भी ना पता नहीं खुद कहां चला गया और मेरे हाथ में दे गया ये विक्की डोनर इंप्रेशन माचो थे I'm the king! तुम्हारे पास कुछ स्पेशल है क्या दिखाने को नहीं साहब कुछ स्पेशल नहीं है सच्ची आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आप खुद चेक करके देख सकते हैं अरे तुम्हारे जैसे लोगों के वजह से गोवा का नाम खराब होता है चल चल तू ए रुक रुक एक्सक्यूज मी सर मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ये मेरा दोस्त है और मेरे लिए पोज कर रहा था ये देखिए इसकी फोटो ठीक है आगे से इसे जरा ठीक से पोज करने के लिए बोलिए मैडम यहाँ पे बीच पे बच्चे भी खेलते हैं सॉरी सर थैंक्स सिमरन वैसे तुमने मेरी फोटो क्यों ली देखो इसमें ज्यादा मतलब निकालने की कोशिश मत करो डोंट गेट एनी रॉन्ग आइडियाज ओके लेकिन तुम तो मुझे हंस के देख रही थी मैं तुम्हें हंस के नहीं देख रही थी मैं तुम्हें देखकर हंस रही थी सकरू ये कुत्ते का बच्चा कहाँ गया शिट सिट तो अब मेरी वाट लगा देगा मैं जाना चाहता था इस चांद के साथ और अब मुझे जाना पड़ रहा है इस उजड़े चमन के साथ Bye.
अजीब बात है ना सिर, कल हम जमीन पे मिले थे, आज आसमान में। ये तो हमारे मुलाकातों की हाइट हो गई। If you don't mind, एक पर्सनल सवाल करूं मिस्टर डीजे। या sure, sure, sure. तुमने बजाना कब शुरू किया? I mean, you know. अब इसमें पर्सनल क्या है? मैंने तो 16 साल की उम्र में ही बजाना शुरू कर दिया। Oh really? It all started a party. जब मैंने पहली बार अपने दोस्त को बजाते हुए देखा, और उसे देखते ही मेरे अंदर एक आवाज आई कि सिड, तू इसी चीज के लिए पैदा हुआ है। और फिर क्या है, धना धन मैं बजाता रहा। एक बार तो 24 घंटे नॉन स्टॉप बजाया। Oh my God, you're a superman! Thank you. लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स का क्या, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, शुरू में तो वो भी काफी अपसेट थे कि लोग क्या कहेंगे, मेरी शादी होगी कि नहीं। अब कौन से माँ बाप चाहेंगे कि उनका एक लौता बेटा ऐसे काम करे। उनके लिए ये सब गंदा था, लेकिन मेरे लिए ये धंधा था। और जैसे ही मैंने जांच करना शुरू कर दिया, उन्हें फाइनली एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि हमारा बेटा काम चाहे जो भी करे, पैसे अच्छे कमा लेता है। आपके जेब में जो फोन है वो वाइब्रेट कर रहा है। मैं तो फोन लाया ही नहीं। ओके। I was the active partner. He was the sleeping partner. You remind me so much of Steve. यहाँ तो लेने के तेरे पड़ रहे। नीचे लो। एडम के साथ मजा आया? क्या खाक मजा आया। साले एडम को लगा कि मैं भी उसकी तरह उल्टे तवे पे रोटी सेकता हूं। What? मैं वैसा नहीं हूं यार। क्या? तुम वैसे नहीं हो? Really? अरे क्या really? मैं वैसा नहीं हूं ये बिलीव कर रहा है? इतना डिफिकल्ट है क्या? एक्चुअली मैं तो वहां तुम्हारे साथ जाना चाहता था, पर वो आ गया। साले की खुशी चेहरे पे कम, पैंट में ज्यादा दिखाई दे रही थी। तुम हंस रही हो? नहीं, I'm just happy कि तुम वैसे नहीं हो। नहीं, वो मैं वैसा नहीं हूं ये सुनकर तुम इतना क्यों खुश हो रही हो? अरे मैं कहां खुश हो रही हूं। एक्चुअली कहीं तुम एडम को कंपटीशन की तरह तो नहीं देख रही हो? व्हाट रबिश, ऑफ कोर्स नॉट। चलो अच्छा है, किसी की तो खुशी सही जगह पे दिख रही। A plus C plus B is equal to nirvana. Let's party! वो कहते हैं ना, yeah. Live life king size, smoking, drinking and fuck. सकरू? सकरू? यार मुझे लगता है थोड़ी सी चढ़ गई है। सकरू मुझे बिल्ली नजर आ रहा है।
तेरे को भी? हाँ यार, मेरे को भी बिल्ली नजर आ रही है। मेरे को भी। This stuff is killer, dude. हाँ यार। ले ना ले ना, पी ना पी। मैं सकुरु को मैं स्टिक से देख के। हाँ 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 हाँ, देख ले यार। ओके। सकुरु, I missed you. ये तो नजदीक से भी बिल्ली लग रहा है। हाँ यार, मुझे भी मुझे भी। तेरे को बोल दो सकरू तू। सुना? सकरू म्याओ म्याओ कर रहा है। हाँ यार, मैंने भी सुना सकरू। This stuff is. फिर से म्याओ म्याओ किया। अल्लाह दिस। लगता है मेरा रंग निकल रहा है। ये तो बिल्ली। What the f? ए उठ, उठ। छोड़ो ना। अबे उठ। ये सकरू की जगह बिल्ली कैसे आई? वो सकरू ने शायद सेक्स चेंज कर लिया होगा। अबे सेक्स चेंज करवाने के बाद कुत्ता कुत्ती बन जाता है, बिल्ली नहीं। तू सच बता सकरू का है? तुझे तुझे रोहित शेट्टी की कसम। देख सिद, अब तुझे सच तो बोलना ही पड़ेगा। वो क्या है ना, मैंने सकरू को घुमा दिया। तूने सकरू को घुमा दिया? सॉरी यार। ए चल चल, तू सॉरी वरी कुछ नहीं, समझा ना? मैं जानता हूँ तूने सकरू को जानबूझ के घुमा दिया। हेलो, क्योंकि यू ऑलवेज जेलस ऑफ हिज सेक्स लाइफ। अब मैं सकरू को कहाँ ढूंढू यार? फ्रांसिस मार्लो। अगर फ्रांसिस मार्लो ने सकरू को पकड़ा ना, तू तो गया बॉस। ये ले, संभाल के रख, क्योंकि दिस इज द ओनली पुसी यू विल एवर गेट। व्हाट? हट। क्या बोलता है ट्रिपी? ट्रिपी डूड। पता नहीं इस धरती के बोझ ने क्या खा लिया, ये तो गया काम से। छेद बजाओ, छेद बजाओ। देखना है शॉट। पता करो ये अफ्रीकन तोते कहां से आए। पिताजी, सकरू, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अन्नदाता, मेरे मैं जानता था तुम जरूर आओगे डीजे सिड। देखिए, हो सकता है कि सकरू की वजह से शायद आपकी माँ एक्सपेक्ट कर रही होगी, लेकिन मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक करोड़पति होकर कुत्ते चुराते हो। चोरी? अगर अपनी चीज अपने पास वापस आ जाए तो उसे चोरी नहीं कहते हैं। आप शायद भूल रहे हो, ये कुत्ता मेरा है। प्लीज इन्हें कुत्ता मत कहो, और जिसे तुम अपना कह रहे हो ना, वो मेरे अपने हैं। ये मेरे पिताजी हैं पायलागू। पिताजी? पहली बार सुना है कोई अपने आप को ही कुत्ते का बच्चा कह रहा है। अरे समझने की कोशिश करो, ये रिश्ता इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म का है। मुझे मेरे पिताजी वापस कर दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं। हम लोग गरीब जरूर हैं मार्लो सेठ, लेकिन बेकाऊ नहीं। मेरी बात सुनो प्लीज, ये माँ को सुख देने के लिए दोबारा जन्म लेकर इस दुनिया में आए, इन्हें मेरी माँ से अलग मत करो प्लीज। वो कुत्ती माँ, ये कुत्ता बाप। किसी दिन कुत्ते पकड़ने की गाड़ी आई, आपका तो परिवार उजड़ जाएगा। ऐसा मत कहो, तुम जो कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि दोबारा रामदीन मेरे पिताजी की जिंदगी में आए। मुझे मेरे पिताजी वापस दे दो प्लीज, मेरे पिताजी वापस दे दो। आखिर औरों की तरह आपने भी मेरे इमोशनल नेचर का फायदा उठाया।
आपके पास एक ऑप्शन है। बोलो, मैं तैयार हूँ। नहीं नहीं, एक और ऑप्शन है। अच्छा ठीक है। जो पार्टी आपने मुझसे ली थी वो मुझे दोबारा देनी पड़ेगी। वो पार्टी लगता है ट्रिपी म्यूजिक पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। अरे ये तो म्यूजिक पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। ट्रिपी तो ठीक है ना? ये ओके ना? अबे बोल ना ट्रिपी। अरे ट्रिपी क्या कर रहा है साले? उठ उठ। अबे वैसी दरिंदे। अरे क्या कर रहा है यार? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा यार। ट्रिपी प्लीज। अबे साले, जब भी तू मारी मारी कहता था मुझे लगा तू बिस्किट की बात कर रहा है। आज समझ में आया कि सिमरन तुझे क्यों छोड़ के चली गई। अबे वो छोड़, इधर ये कोमा में चला गया। व्हाट? पिंटू, इस कुत्ते को मेरे सामने से लेके जाओ। ओके। समझ में नहीं आता इस कुत्ते की बैटरी हर आधे घंटे में रिचार्ज कैसे हो जाती है। माता जी। और अगर ये ऐसा है तो इसका मालिक कैसा होगा? हाय, फाइनली यू हियर। सो टेल मी, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मिलकर ही सुनाना चाहते थे? अरे सुनोगी तो पागल ही हो जाओगी। तो मत सुनाओ, घर में एक पागल काफी है। क्या? नहीं कुछ नहीं। सो टेल मी, व्हाट्स द बिग न्यूज? गोवा की सबसे बड़ी न्यूएस्ट पार्टी, डीजे सेट बजा रहा है। वाओ, दैट्स ऑसम। मैं चाहता था कि ये न्यूज सबसे पहले मैं तुम्हें सुनाऊं। थैंक्स। वैसे ये पार्टी है किसकी? अरे वो तो अपने आप में एक कहानी है। अच्छा? तुम सुनोगे ना तो हंस-हंस के गिर जाओगी। रियली? ये क्रेजी मिलियनेयर है फ्रांसिस मार्लो। वो इतना गॉनकेस है ना कि वो साला एक कुत्ती को, एक कुत्ती को अपनी माँ समझता है। और तुम्हें पता उसकी माँ का नाम क्या है? रोज मेरी मार्लो। फिर तो वो किसी कुत्ते को अपना बाप भी मानता होगा। एग्जैक्टली, वो कदम मेरे ही कुत्ते को अपना बाप मानता है। वैसे तुम काफी इंटेलिजेंट हो। वो तो मैं हूँ। और फिर तुमने उसे अपना कुत्ता देकर पार्टी ले ली होगी ना, है ना? इतने कम समय में तुम मुझे कितनी अच्छी तरह जानने लगी हो। अब ऐसा बकरा अपने हाथ से थोड़ी जाने दूंगा। बिल्कुल नहीं। बस एक बार ये पार्टी खत्म हो जाए, अपना कुत्ता यहाँ से लेके वन टास। कैसे? अरे क्या कैसे, मेरा कुत्ता है, मेरी स्पेशल सिटी सुनकर वो कहीं से भी वापस आ जाता है। वाओ, इट्स अमेजिंग। एक बार बजा के जरा दिखाओ प्लीज। सिटी? यू श्योर? या प्लीज। इट गोज लाइक दिस, पे अटेंशन। वेरी सॉरी मैडम, बड़े साहब तो कंट्रोल में ही नहीं रहते। बड़े साहब? मैडम, इतनी देर से तुम जिस पागल इडियट गधे की बात कर रहे थे, वो मेरे डैड है। डैड? ये मेरा कुत्ता नहीं है। आजकल कोई भी कुत्ता गले में पट्टा बांधकर गोद में बैठ जाता है। Not my doggy, आई शपथ अनु। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, डीजे सिड। अनु, अनु, मेरी बात, अनु, अनु, अनु। दिल डोला रे।
उसका हाथ छोड़ दो। अच्छा तो तुम्हें लगता है सिमरन तुम्हारी है? खुश रख पाओगे उसे? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। ओह रियली? शायद तुम्हें पता नहीं कि जो तुम्हारे पास है वो आजकल दुकानों में बिकता है और वो भी बैटरी ऑपरेटेड और गारंटी के साथ। देखो मुझे जो भगवान ने दिया है उसे चाइना के इन चीप प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर मत करो। सिमरन ये लड़की तुम्हें बहका रही है। सिमरन मेरे साथ चलो। सिमरन आज तो पारो को जवाब देना ही पड़ेगा कि वो देवदास की है या चंद्रमुखी की। You know, Sim, I just don't understand why men are called dogs. कुत्ते ना वफादार होते हैं। I just can't believe कि सिड ऐसा निकला। Chill, Anu. Take it easy. आदि? Hi, Simran. मैं मुंबई से गोवा तुम्हें सिर्फ एक बात बताने आया हूं। आई स्टिल बिलीव कि तुम ही मेरी सोलमेट हो सिमरन, और मेरा दिल नहीं मानता कि तुम वैसी हो। ट्रस्ट मी सिमरन, ये लड़की तुम्हें बहका रही है। हेलो, मैं बहका रही हूं? ये देख रहे हो, ये वही रिंग है जो तुमने सिमरन को दी थी और ये इसने मुझे पहनाई है। मेरी दी हुई रिंग तुमने इसे पहना दी? इसका मतलब? मतलब हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है। इंगेजमेंट? मेरी जेब में 5 रुपए नहीं थे, फिर भी मैंने तुम्हें 5 लाख की रिंग दी और तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरी फीलिंग्स के बारे में। आज समझ में आया कि सोलमेट वोलमेट सिर्फ कहानियों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। शायद मैं इसमें कुछ ज्यादा मतलब ढूंढ रहा था। लगता है मेरी डेस्टिनी में वेडिंग रिंग नहीं, सिर्फ सफरिंग है। बाय सिमरन, बाय। What's wrong with you, Sim? तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम उसे प्यार करती हो? You're lucky कि तुम्हें आदि जैसा लड़का मिला है। Look at me. मैं जिसे प्यार करती हूँ, वो एक चीटर निकला। आदि जैसे लड़के को हाथ से मत जाने दो। Hi, Dad. और डाई हार्ड फैन तेरे है, तू ही कदर न जाने। मर गए यार दीवाने और तेरे लवर पुराने। और डाई हार्ड फैन तेरे है, तू ही कदर न जाने। बिलीव नहीं होता ना, लेकिन करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, ये वही लड़की है डूड जो सिमरन की गर्लफ्रेंड है। आर यू श्योर? मैंने अपनी आंखों से देखा है डूड, मैंने सिमरन को जो रिंग दी थी वो उसने पहनी थी। रिंग? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। नो वंडर वो एडम एंड स्टीव में थी। अपने सीन का तो फुल केरोसिन हो गया यार। जिन लड़कियों से हमने प्यार किया
वो तो एक दूसरे से प्यार करती है। अब तो मुझे वो पार्टी भी नहीं चाहिए, बस सकरों को लेके निकल जाते हैं। वैसे भी हमारे लिए रखा क्या है? अब बस एक बात की खुशी है डूड, कि तू भी मेरी तरह कन्वर्टर निकला। गाना सुनाई दे रहा है? वेलकम टू द क्लब। व्हाट अ फनी गेम, वन स्टिक एंड सो मेनी बॉल्स। नाइस शॉट ना। बात क्या है डैड? तुम लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। मैं शादी करने वाला हूँ। शादी इस उम्र में? मैं अपनी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो माँ और पिताजी की शादी की बात कर रहा हूँ। आप कुत्तों की शादी करा रहे हो? माइंड योर लैंग्वेज अनु। जरा सोचो, हम लोग कितने लकी हैं। तुमने कभी बच्चों को माँ बाप की शादी में जाते हुए देखा है? हम जाएंगे। हाँ। और शादी का मुहूर्त भी आज का ही निकला है। थैंक्स टू बाबा थ्री जी, मैंने तो शादी के कार्ड भी भेज दिए हैं। माइकल मार्लो वेड्स रोज मैरी मार्लो। ओके, नाउ आई विल गो टू माय बॉल्स। डैड, आदि, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। कैन वी प्लीज मीट? सेड, घर पर कोई नहीं है। सब लोग शादी पर गए। शादी? हमको तो बताते हुए भी शर्म आती है। ऐसे कोई करता है शादी? अनु मैडम और उनकी सहेली के लाख मना करने के बाद भी ये शादी हो रही है। बस उस गुरु ने कह दिया और मार्लो जी मान गए। लड़कियों की जबरदस्ती शादी हो रही है? अरे जो इंसान कुत्तों को माँ बाप मान सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है यार। ये शादी तो रोकनी पड़ेगी डूड। लेट्स गो। आइए आइए। सारे देवगण भी आ गए। हाय अजय, थैंक यू फॉर कमिंग। एक बार ये शादी हो जाए तो बाप के नाम पे भी ट्रस्ट खोलेगा। हाँ। सारा पैसा लेकर मायामी चले जाएंगे हम, तुम और सुदामा। फादर। यस मिस्टर मार्लो। पिताजी आप नहीं, फादर। फादर। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव गैदर्ड हियर दिस मॉर्निंग टू विटनेस द होली रियूनियन of a very unusual couple. Rosemary Marlowe, do you take Michael Marlowe to be your lawfully wedded husband? Ma haan keh rahi hai, muskura bhi rahi hai. Nice. Mr. Michael Marlowe, do you promise to take Miss Rosemary Marlowe to be your lawfully wedded wife? Haan bol diya. I now pronounce you man and wife. Now, ladies and gentlemen, it's party time. The motel again. Thank you for coming, Mr. Dabakar De. यहाँ तो बहुत tight security है, dude. हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? हम नहीं जा सकते, लेकिन ये तो जा सकते हैं। मिस्टर एंड मिसेस लेले? अबे साले, तुझे यही कार्ड मिला था क्या? लेले, इससे अच्छा इनविटेशन और क्या हो सकता है? That's nice, मिस्टर मार्लो। यस, मैं पोपट। ओके, अब तो तू दिया था ना, उच्चे पैसे लेने आया हूँ। क्या दिया था? हाय स्वीटी, मुझे आराम से लगा। तुझे अपने प्यार का वास्ता। बस कर यार, कितना लगा रहा है? थोड़ा और थोड़ा। बस 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 बस, पहली बार इतना लगवा रहा हूँ यार। थोड़ा और थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अरे फिट नहीं हो रहा यार, बहुत टाइट है। स्ट्रेच कर, स्ट्रेच कर। अरे लगता है अटक गया क्या? आराम से आराम से, वरना फट जाएगा। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, बैठ कर। फाइनली काम हो गया।
और के साथ इम्पॉसिबल इज माइन। ये मार्लो साहब ने हमें किसकी शादी पे बुलाया है? फोन पर तो कहा था कोई सरप्राइज शादी है। वो बात छोड़ो, हम गोवा मार्लो की सरप्राइज शादी में नहीं आए हैं। हम गोवा तुम्हारी बेटी को लास्ट टाइम समझाने के लिए आए हैं कि चिंटू के साथ शादी कर ले। इतने लड़के लोगों को ना कहेंगे, हाँ लोग क्या समझेंगे तुम्हारी बेटी में ही खोट है। अरे कितना क्यूट है ना। इनविटेशन प्लीज। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, फोटो ऑफ द यूनिक कपल। थैंक यू, थैंक यू। दूध लिया फिर भी पैसे नहीं दिया। क्या कहा आपने? क्या दिया? दूध मुझे भी चाहिए। आप तो भी चाहिए, लेकिन माल अच्छा होना चाहिए। चाब आप क्वालिटी की तो बिल्कुल फिकल मत करो। पोपट नाम है मिला। आप थाली मेले को इतना बोलो इंडियन चाहिए क्या? फॉरेन फॉरेन भी है। अले चाब मेले पास तो अमेरिकन भी है, लचियन भी है, इटालियन भी है। आप तो मैं एल्बम भी दिखा सकता हूँ। एल्बम एल्बम पूरी तैयारी। एक बात बता दे, शॉर्ट टाइम के लिए कितना और फुल नाइट के लिए कितना? चल अश्लील आदमी, मैं चले तो तू की बात कर रहा हूँ और तू ऊद की बात कर रहा है। चल भाग भाग। लगता है मुझे आने में थोड़ी देर हो गई सिमरन। अरे तुमने अपना सेक्स चेंज करवा लिया? अगर तुम मेरी लाइफ में आने को तैयार हो तो मैं सेक्स चेंज करने को भी तैयार हूँ सिमरन। आदि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। नहीं हो? तो फिर ये शादी? वो तो अंकल कुत्तों की शादी करवा रहे हैं। कुत्तों की शादी? ऐसी शादी कराने के बाद ये भी नहीं सोचा कि आपकी बेटी सोसाइटी में क्या मुंह दिखाए? जरा चेहरा देखिए उसका, कितनी दुखी लग रही है। पूछो इससे, पूछो क्या उस शादी से खुश है। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। दिस इज माय पर्सनल डिसीजन। ओके, कैसे बाप है आप? ये भी नहीं सोचा कि आपका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? इनको तो बच्चे भी नहीं होंगे। मतलब क्यों? आपको डेफिनेटली इलाज की जरूरत है। तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुमने मुझे मिलते ही प्रपोज कर दिया। I just didn't know how to handle it. तुमसे ज्यादा चिपकू मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा है, और अब लगता है इस चिपकू के साथ ही पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। फेविकॉल का जोड़ है, छूटेगा नहीं। सिमरन, I love you too, आदि। ये क्या कर रही हो सिमरन? आज तो मैं आपको अनाथ करके रहूंगा। देखते हैं कि ये आपके पिता है या मेरा भाई। ये तुम्हारे डैड है भाई लागू जी। जीती मत रहो। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी माँ नहीं आई, वरना तुम्हारी हरकतें देख के उसको तो हार्ट अटैक आ जाता। ऐसी लड़की बांधना चाहते थे हमारे गले में? देखिए आप लोग गलत समझ रहे हैं। ये ऐसी आई मीन ये ऐसा नहीं है। अंकल आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं तो लड़का हूँ। हाँ। Thank God, कम से कम लड़का तो है। भाई, एक एक को चुन चुन के लेना। डैडी, डैडी। मार्लो जी, मैं छुड़वाता हूँ। क्या आपको अभी भी लगता है ये आपके पिताजी? नहीं नहीं नहीं। ये शादी हो रही है या क्या? मिस्टर मार्लो, उसके अंदर एक बुरी आत्मा घुस गई है। ये बुरी आत्मा जरूर दिन की होगी। दिन नाम था लेकिन काम हमेशा रात वाले करता था। मेरे पिंकी को कोई समझ नहीं आ रहा।
इधर तेरे बोतल से पानी आ रहा है, उसके आँख से पानी आ रहा है, और इसके तो क्या? ये सब जो हो रहा है ये तुमने क्यों किया? ये शादी तोड़ने के लिए। How sweet. Thank you, Sid. वैसे भी मेरे होते हुए तुम्हारी शादी जबरदस्ती किसी और के साथ? Impossible. मेरी शादी? अरे अगर तुम दबा कर दे हो तो मैं क्या करूं? यहाँ मेरे पिताजी दबा कर ले रहे हैं, कुछ करो यार। मार्लो जी, आपके पिताजी छूट गए। Let's begin the holy ceremony. दबा कर दे? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बहुत अच्छी तरह सर, ये म्युनिसिपैलिटी में कुत्ते पकड़ने का काम करता था। हाँ, आप जैसे लोगों को कुत्ते बेचकर ट्रस्ट खोलना और उनके ट्रस्ट के साथ खेलना, ये उसका पुराना धंधा है। सर, ना ही आपके पिताजी है और ना ही ये कोई गुरुजी है। इसे मैंने 4 साल जेल भिजवाया था, अब इसे वापस वही भिजवाना पड़ेगा। क्या ये सच है? मार्लो जी, आप फिर से मुझ पर शक कर रहे हैं? ये आप ही के पिताजी है, ट्रस्ट में। रावण क्या 3G बाबा की जीप पर लात मारूं? अवश्य। किसी ने मेरी मारने की कोशिश की तो मैं इन्हें कुत्ते की मौत मार दूंगा। ए, मेरे पास नहीं आना वरना गोली चला दूंगा। हम लोग हिंदी फिल्म के हीरो हैं। हम लोग नहीं मरने वाले। इस गलत फहमी में मत रहना, शोले में अमिताभ, आनंद में राजेश खन्ना भूल गए। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म के हीरो थे और हम लोग ऑर्डिनरी फिल्म के हीरो हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये असली बंदूक है। मजा आ रहा है? दो बंदूक तो फिर एक मुझे दे दो। कौन सी वाली? जिसमें कम मजा आ रहा है वो दे दो। तो ये ले लो। चलो दे। कानून तो अपने हाथ में मत लो। हाथ में लेने के लिए और भी अच्छी चीजें हैं। तो दे दो। आपको किसने बुलाया? बुलाने की क्या जरूरत है, फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा है, अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? गुड पॉइंट। नहीं, तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी, वरना इस बाबा 3G के चक्कर में आकर मैं कुत्तों को माँ बाप समझ कर उनकी शादी कर रहा था। वेल डन बॉयज, वेल डन, वेल डन। आदि को आखिर उसकी सोलमेट मिल ही गई और सिमरन के आते ही उसे चिंगम भी मिल गई। गोवा की सबसे बड़ी न्यू ईयर पार्टी DJ सिड ने बजाई और वो भी अकेले नहीं, अनु के साथ। सखरू ने आखिर अपनी आदतें बदल ही दी। टुडे ही इज बिकम अ वन वुमन मैन। कुछ भी बोल यार, आखिर हमने अपना इंप्रेशन माचो माचोस की फोटो खींचो।